मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा, बीजेपी को बहस में लाऊंगा। मेरी समझ ये कहती है, अशोक जी ने अपना पक्ष रखा, सुरेश जी ने अपना रखा, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि बसपा ने चौतरे पर अपनी चटाई बिछाई तो सपा को लगा कि ये पूरी चटाई ये बिछा लिए, तो उन्होंने कहा एक जो थोड़ी जगह बची उसमें एक गमछा हम भी रखेंगे अपना, कम से कम इतिहास में तो जागे हम भी थे, इसीलिए वो देर से जागे। फिर जागे तो कुछ जिलों में उन्होंने कहा कि हम भी करेंगे भाई। हालांकि भारत बंद को समर्थन ऐसा बोलने से सपा ने परहेज किया, उन्होंने कहा कि हमारा पीडीए है, आंदोलन है, दिस दैट, बट नॉट भारत बंद, लेकिन वो उतरे उसमें। और अभी तो एक बड़ी चीज देश के सामने आएगी कि नहीं आएगी मोदी जी पर निर्भर है, लेकिन वो चीज है पूरे भारत की राजनीति हिल जाएगी, समाज नीति भी हिल जाएगी। अशोक जी, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास है, मेरी समझ ये कहती है, मेरी जानकारी ये कहती है कि उसमें पिछड़ों के आरक्षण को चार वर्गों में बांटने की बात कही गई है, ए बी सी डी। क्या वो हो गया तो हाहाकारी परिवर्तन हो जाएगा, क्या भारत की राजनीति में भूकंपीय परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्या होगा नहीं होगा मोदी जी जाने, चूंकि इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा फिर साहस चाहिए। जब सीधी भर्ती में ही मामला गड़बड़ा गया, वो क्या यूपीएससी का जो निकला था, तब ये तो फिर बहुत बवाले आजम टाइप का मामला है। खैर, रत्नाकर जी, मसला भारत बंद का मेरे लिए उसके आगे की चीज में देख रहा हूं। महंगाई के खिलाफ भी भारत बंद होता तो मैं इतनी राजनीतिक तौर पर उसको उतना वेटेज नहीं देता जितना आरक्षण को दे रहा, क्योंकि मैंने अपने पत्रकारी जीवन में आरक्षण के ताप को राजनीति पर महसूस किया है, शिद्दत से जमीन पर खड़े होके, क्या? और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आरक्षण के मसले पर देशव्यापी बंद हो, जिसमें किसी भी कारण से सही लेकिन दलित और आदिवासी समाज से जुड़े 85 संगठन शामिल होते हैं और 10 पार्टियों को उसमें शामिल होना पड़ता है, यह स्थिति मेरी समझ ये कहती है भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी कोण से अच्छी नहीं। रत्नाकर जी, जी अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आरक्षण के बारे में जो हमारी बहन भी यहां कह रही थी कि आरक्षण की मूल भावना क्या है, आरक्षण का मूल यही है कि जो समाज में मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं है, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना होता है और जो दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट राज्यों को यह अधिकार देता है कि एससी और एसटी कोटे में जो जातियां जिसको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उनको शामिल किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कहीं ना कहीं न्याय संगत है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि न्याय तो सबको मिलना चाहिए, कुछ वर्ग विशेष या कुछ जाति विशेष पे ही लोगों को नहीं मिलने चाहिए। रत्नाकर जी, एक सेकंड लूंगा फिर आपको पूरा टाइम, एक सेकंड लूंगा। जो बात आप कह रहे थे और आपसे पहले अकादमिक रूप से सुजाता जी कह रही थी उस पर मैं एक टिप्पणी करूंगा। जब इतना सब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और इस सैद्धांतिक रूप से यही होना चाहिए और हकीकत तो यही है, मूल भाव यही है, प्राण तत्व यही है, क्या तो ये बाइट काय को दिलवाई थी किरण रिजिजू से 6 बार, कतई नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कुछ नहीं, राई रत्ती नहीं, डोंट वरी, प्रधानमंत्री ने कह दिया, कैबिनेट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे हम वही चलने देंगे जो चल रहा है, ये काय को बोले थे फिर, ये ध्यान की बातें अभी समझ में आई। अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, आपकी बात सही है और भारतीय जनता पार्टी इस रुख पे अडिग भी है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को न्याय संगत इसलिए कह रहा हूँ, मैं वो पक्ष नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख। अरे मैं तो न्याय संगत बात मानोगे क्यों नहीं फिर, ये कौन सी बात है, अगर बात न्याय संगत है तो मानो बात। आप मेरी बात समझिए, सुप्रीम, अरे सुनिए तो सुरेश जी, एक मिनट रुको, दादा एक मिनट, आप बोलो रत्नाकर जी। जी, इस आरक्षण की मूल भावना को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जो है बात कहता है तो कहीं ना कहीं वो बात को जो है संज्ञान में लेनी चाहिए आज के शिक्षित वर्ग को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
जो है इस रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो कोटा के अंदर कोटा का प्रावधान किया है उस रूप को लागू करना है कि नहीं लागू करना है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी राज्यों को अधिकार देगी और राज्यों को अधिकार है कि वह लागू करे और किसको कैटेगराइज और सब कैटेगराइज किसको करे, वो राज्यों का अधिकार है। तो हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इसमें न्याय मिले लोगों को और जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो वंचित है, उनको उनके उनके ऊपर कहीं से कोई आपत्ति आंच ना आए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। ये जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो सिर्फ आरक्षण के बूते या फिर जातीय जनगणना के बूते चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रख करके मैं अपने वक्तव्य को दे रहा हूं कि निश्चित रूप से अगर देश में जनगणना होनी चाहिए, जब यहां पर ऐसा है, माननीय कांशीराम साहब ने कहा है जिसकी जितनी मैं वही कह रहा हूँ, अगर इन लोगों की मंशा जो है देश को बांटने की है, जातियों के आधार पे देश को बांटने की, पहले भी इन्होंने बांटा, धर्म के आधार पे इन्होंने बांटा, अब ये जातियों के आधार पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी कर्नाटक में आरक्षण के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया था। तो आप वोट की राजनीति के लिए ये ठीक कर रहे हैं। ठीक है भैया रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा। अब्बल, तो मैं इस बात को सिरे से हमेशा खारिज करता रहा अपने पूरे जीवन में। जब कोई ये कहता है कि फला पार्टी राजनीति कर रही है, तो मैं पूछता हूँ, इसने अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में कराया है क्या? नहीं ना। इससे बड़ा कोई मजाक जोक हो सकता क्या यार? मैं फिर जब इस बात से ना बोले फला नेता राजनीति कर रहे हैं, अरे भाई साहब, अगर राजनीति नहीं करते तो फिर कनखल में जाके हरे रामा नहीं करते, पार्टी क्यों चला रहे? सब राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये बात ठीक नहीं, सब राजनीति कर रहे हैं। मैं सुजाता जी के पास आऊंगा। भाजपा को हमने सुना, रत्नाकर भाई को भी सुना, देश भर में भी सुन रहे हैं। दुविधा यही है सुजाता, आप कर कुछ रहे हो और सही किसी और चीज को बता रहे हो, इसी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ट्रैफिक वालों को सिपाही लोग समझाते हैं लोगों को कि चाचा चौराहे पर नहीं सोचा जाता है, दो कदम दाएं आगे बढ़ गए, फिर उधर से ऑटो आया तो बाएं भागने लगे, फिर बाएं से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दुर्घटना की संभावना ज्यादा हो जाती है ना सुजाता जी। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, अच्छा, किरण रिजिजू कतई नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात, बोले होना तो यही चाहिए, बोले करेंगे नहीं, क्या है वैचारिक विभ्रम क्यों? और वैचारिक विभ्रम में विश्वास कैसे पनपेगा उस वर्ग में जो ननकू का वर्ग है? सुजाता जी, जो आपने सच कहा कि जब राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। हम जानते हैं कि चाहे हम इस बात को कितना भी खारिज कर ले, पर जाति एक सच्चाई है और जाति पे हुई राजनीति भी एक सच्चाई है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जब उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, बाकी राज्यों के, महाराष्ट्र का चुनाव है वहां पे मराठा आरक्षण का मामला है, दूसरे हरियाणा में चुनाव है वहां पे आरक्षण का मामला धूल पकड़ा है, तो यहाँ पे किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ जाएंगे थोड़ा राजनीतिक रूप से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको चुनाव जीतना है, सत्ता में रहना है और यही राजनीति करने वो राजनीति में आए हैं, तो इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो आज आपको ये पूरे परिपेक्ष में देखना होगा अमिताभ जी, कि आखिर कभी तो हम इस बात को स्वीकारेंगे कि जो यहाँ कह रहे थे, जो सुरेश जी कह रहे थे बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या वो ये बताएं कि क्या अगर वो इसका क्रीमी लेयर और कोटा विद इन कोटा का अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वो क्या मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? क्योंकि अगर मराठा आरक्षण मिलता है तो ओबीसी का आरक्षण घटता है, तो ये सपा के लिए भी बात है, तो सपा इसीलिए सपा जो है खुल के कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि अगर यहाँ कहेंगे तो वहां फंसेंगे,
तो ये सभी सभी पार्टियों के लिए वो आगे कुआ पीछे खाई की बात है। उसमें बीजेपी की तो सबसे बड़ी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि उनका जो प्लान था वो हिंदुत्व का प्लान था, लार्जर अम्ब्रेला प्लान था, जहां पे जाति की बात नहीं थी, जहां पे सारे हिंदू एक साथ आके देश को आगे ले जाके, उसमें पिछड़ी जातियां थी, अच्छा खासा सोशल इंजीनियरिंग काम चल रहा था, ये लाभार्थी वर्ग था। मुझे लगता है कि उस पर पार्टी को बने रहना चाहिए था। मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि ये हम इस दलदल में क्यों फंस रहे हैं, जो हम 30 साल पहले जिसकी आगजनी हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि देश किस व्यवस्था से गुजरा, किस तरह से क्या क्या लोगों के साथ हुआ। हमने देखा कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, हमने देखा कि साउथ इंडिया में जो सवर्ण थे उनको किस तरह से चुपी छोड़, पूरे तमिलनाडु से ब्राह्मण खत्म हो गए, वो बाहर चले गए। आपको शायद अच्छा कहता पर ये सच्चाई है। यहाँ बिहार में ऐसे लोग हुए जो अपना शायद टाइटल, अपना सरनेम भी लगाने से डरने लगे। हमने वो जंगल राज भी देखा, हमने वो ठीक है सुजाता जी, ठीक है मैं दोबारा आऊंगा, मैं सुरेश जी के पास चलूं। उससे पहले एक बात मुझे जो समझ में आती हुई है, भैया अच्छा लगे और चाहे लगे बुरा, क्या राजनीति करने आए, नौटंकी देखने तो आए नहीं क्या? तो कुछ कुर्बानी दो राजनीति में। मैं फिर कह रहा हूं, ये अकादमिक बहस का क्षेत्र नहीं है। आपका निर्णय जनता को समझ आया कि नहीं आया, आपकी प्रतिबद्धता जनता को दिखी कि नहीं दिखी, सेमिनार में दिखी इससे कोई फर्क नहीं, अंग्रेजी की किताबों में दिखी कोई फर्क नहीं, जेएनयू की लाइब्रेरी में दिखी कोई राय रत्ती फर्क नहीं, पार्षदिक चुनाव नहीं जीतोगे। ननकू को समझ में आया कि नहीं, भाजपा खुद दुविधा में है। वो 3 मिनट बोलेंगे तो 1.5 मिनट इधर की बात करेंगे, 1.5 मिनट उधर की, ना इधर वाले सदे ना उधर वाले सदे, तब क्या करोगे? और रुक जाओ सुरेश जी, और मेरा अनुभव ये कहता है, जब जब आरक्षण की को मुख्य धुरी, आरक्षण मुख्य धुरी हुई भारत की राजनीति की पूरे देश में या किसी राज्य में, तब तब उस मैदान पर भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ फाइट हुई, मुश्किलें हुई। भाजपा जाति के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर तीसरी धारा के दलों से 19 बैठती है, 20 नहीं। तीसरी धारा के दल जब हम बोलते हैं तो उसमें बीएसपी है, एसपी है, आरजेडी है, डीएमके है, टीएमसी है, ये सब लोग हैं, यानी अदर देन कांग्रेस एंड बीजेपी। सुरेश जी, मतलब बहन जी को भी समझ में आ गया कि पप केवल ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने इंटर्नशिप टाइप का करके चुनाव निकाल लिया जाए, तो उनने भी कहा कि भाई चलो सुरेश जी अब लगो। कुल न सोच रही है न आज है जी, मानवर कांशीराम साहब ने जो सिखाया है उसी से। अरे उनका सिखाया कौन याद रख रहा है सुरेश जी, आप तो बुजुर्ग आदमी हो, इसी बात कह रहे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आरक्षण की ही बदौलत है, नहीं तो कहाँ पहुँच पाता आप जैसे विद्वान लोगों के पास। ये मैडम जो बात कर रही है, संविधान सभा का इतिहास पढ़िएगा, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के काम और बहुत पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि सरकार के इशारे पर ऑर्डर करना है, और भी ऑर्डर पहले ऐसे हुए हैं। मुझे एक बात बताइएगा, 1935 में कहाँ थे पुरखे, जब इधर जातियां, और एक और जानकारी के लिए बता देता हूँ, संभव है पूर्णता है मेरा दावा है कि जानकारी नहीं होगी, ये जो जाटव जाटव शब्द है ना, ये केवल आगरा कमिश्नरी में है, जिसमें अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, चंपारण, मेरठ, मथुरा, आगरा, धौलपुर, भरतपुर, फिरोजाबाद, सिकोबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, तो ये जाटम शब्द केवल मैडम वहां तक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पे जाओ तो सीधा चमार है, और फिर सीधा प्रयाग पर जमुना पार कर जाओ तो फिर चमार का चमार है। इसलिए पहले सोचो, और जैसा अमिताभ जी ने जिक्र किया कि भाई संघर्ष करो, तो संघर्ष में सामाजिक न्याय जिसने बाबा साहब को मारा, मैडम बाबा साहब ज्ञान नहीं है किसी भी, आपको ज्ञान आरक्षण मिला कहाँ से, पहले पढ़िएगा पढ़िएगा मैडम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़िएगा। 1947 में साइमन कमीशन आया इसी बात की जानकारी हासिल करने के लिए। गांधी जी ने ये कोई एहसान में नहीं है, ये कोई एहसान में नहीं है। अरे डबल डबल बोर्ड के राइट का जब बात हुआ था, गांधी अनशन करके बैठ गए,
गांधी जी ने जब डबल बोर्ड से वापस लिया बना करके और आरक्षण जब दिया, अभी तो आपको ये भी ज्ञान नहीं होगा। अरे मैडम पहले बात सुनिएगा, आपको खा क्या नहीं है आरक्षण के विषय में, आपको खा क्या नहीं है। आरक्षण दो तरह का है, एक पॉलिटिकल आरक्षण है और एक सोशल आरक्षण है। ये जो ये संविधान सभा की देन है, ये आपकी देन नहीं है, आपके पूर्वजों की देन नहीं है। बोलो बोलो बहस करो, एक मिनट रुकना होगा, दोनों को रोकूंगा, सुजाता जी को भी, सुरेश जी को भी, दोनों को रोकूंगा विनम्रता के साथ।